बाबा साहब के साथ में मौर्य जी 1946 में उनके साथ जुड़ गए। बाबा साहब की जो सर्वकास्ट फेडरेशन थी, बाबा साहब उसमें अध्यक्ष थे और बीपी मौर्य उसमें सर्वकास्ट फेडरेशन में जनरल सेक्रेटरी थे। मौर्य जी का जन्म वैशाख पूर्णा को पूर्णिमा को उनकी माता जी सिल्ला बीन रही थी और सिल्ला बीनते हुए ही मौर्य जी का जन्म जो है खेत में हुआ और उन्होंने उन्हें उस पोखर में वहाँ बराबर की पोखर में धो के वो उन्हें घर ले गए। तो मौर्य जी का जन्म 1926 27 मई 1926 उस समय उस साल बुद्ध पूर्ण जो है 27 मई की थी 1926 में। तो मौर्य जी का जन्म के बारे में जो लोग भ्रांति करते हैं कि मौर्य जी का जन्म जो है कोई पहली मई बताता है, कोई बताता है, लेकिन वो पहली मई है ना कोई और मई है। उनके बताए अनुसार यदि बुद्ध पूर्णो उनका जन्मदिन है तो 27 मई है। मौर्य जी बाबा साहब से पहली बार 1942 में आगरा में उनसे मुलाकात हुई। उस समय मौर्य जी की उम्र 16 साल के आसपास थी। तो मौर्य जी को बाबा साहब ने कहा कि आप अभी शिक्षा ग्रहण करिए, उसके बाद जो है आप अपने कार्य में बढ़िए। मौर्य जी ने अपनी पढ़ाई मृत पशुओं के जो हड्ड होते हैं उनको चुभते थे और उसको बेच के उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की। उन्होंने कभी भी आरक्षण का लाभ नहीं लिया। बाबा साहब के साथ में मौर्य जी 1946 में उनके साथ जुड़ गए। बाबा साहब की जो सर्वकास्ट फेडरेशन थी, बाबा साहब उसमें अध्यक्ष थे और बीपी मौर्य उसमें सर्वकास्ट फेडरेशन में जनरल सेक्रेटरी थे। बाबा साहब ने जो पार्टी बनाई रिपब्लिकन पार्टी, उसका चुनाव भी मौर्य जी ने, क्योंकि बाबा साहब उससे पहले ही उनका शरीर अंत हो गया, क्योंकि बाबा साहब ने 1956 में 6 अक्टूबर को बुद्ध धर्म में कन्वर्ट हुए और उन्होंने बुद्ध धर्म को ग्रहण किया, जिसमें काफ़ी लोगों कई लाख लोगों की संख्या के में जो उन्होंने नागपुर में उसको बुद्ध धर्म को अख्तियार किया। उसके एक साल बाद बुद्ध पूर्णो एक साल बाद विजयदशमी को ही 14 अक्टूबर 1957 में मौर्य जी ने बुद्ध धर्म को ग्रहण किया और उनका नाम जो पहले बचपन का नाम जो उनका नाम था भगवती प्रसाद, भगवती प्रसाद को जब उन्होंने बुद्ध धर्म ग्रहण किया तो उन्होंने अपना नाम बुद्ध प्रिया मौर्य, भगवती प्रसाद का नाम बुद्ध प्रिया मौर्य के नाम से जाना जाने लगा। और हमने मौर्य जी को बुद्ध बीपी मौर्य के नाम से हम जानना और समझना लगे। मौर्य जी पहला चुनाव रिपब्लिकन पार्टी से 1957 अलीगढ़ से लड़े, और वो चुनाव हारे, क्योंकि जर्रार अहमद उनके सामने नेहरू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। 5 साल बाद बाबा साहब ने 1962 में
अलीगढ़ से चुनाव लड़ा रिपब्लिकन पार्टी से ही, और मौर्य जी जर्रार अहमद की जमानत जब्त करवाते हुए वहां से विजयी घोषित हुए। क्योंकि मुस्लिम बाहुल कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौर्य जी ने जर्रार अहमद को हराने का काम किया। उसके बाद बाबा साहब के शरीर अंत के बाद, क्योंकि जो पार्लियामेंट में तस्वीर लगी है उसके लिए मौर्य जी ने बहुत संघर्ष किया, उन्हें DIR में लगभग 1.5 साल के लिए भी बंद रहना पड़ा, और उसमें उनके साथ में 1,65,763 लोगों ने गिरफ्तारियां दी, जेलों में रहे, और जेलों में ऐसे भी रहे कि जो बच्चे भी जेलों में ही पैदा हुए कुछ ऐसे भी हैं। तो बाबा साहब को जनवाना और मनवाना, यहाँ तक के भगवान बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ बीपी मौर्य का काम है और किसी का नहीं है। चाहे आज दुकानदारी करते हुए कोई भी दुकान चला लो वो अलग बात है, क्योंकि सन 64 में राम मनोहर लोहिया मौर्य जी से कहने लगे कि मौर्य जी आप जो है बाबा साहब के बारे में इतना प्रयास करते हैं, ये तस्वीर बना उसके लिए आप क्यों करते हैं। तो राम मनोहर लोहिया को उनका जवाब था, लोहिया जी आज ये पहली तस्वीर पार्लियामेंट में लगेगी, फिर हिंदुस्तान की जितनी राजधानियां हैं उनमें लगेगी, फिर वो कमिश्नर स्तर पर लगेंगे, फिर वो जिला स्तर पर लगेंगे, फिर वो तहसील स्तर पर लगेंगे, फिर वो ब्लॉक स्तर पर लगेंगे, फिर वो गांव स्तर पर लगेंगे, और जब गांव स्तर पर तस्वीर लगेंगी तो जब जब वो मूर्तियां टूटेंगी जब जब ही क्रांति होगी। तो ये उन्होंने सन 64 में उस आदमी की सोच कितनी दूरदर्शी रही होगी कि उन्होंने उस समय उस बात को लोहिया से कहा, और बाबा साहब की तस्वीर जब बाबा साहब मौर्य जी DIR से बंद जब जेल से बाहर आए तो महाराष्ट्र के लोगों ने रिपब्लिकन पार्टी के 3 पार्टी बना दी, और जब मौर्य जी वहाँ गए तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए, तो उसे काले झंडे दिखाने का मौर्य जी पे बहुत वैसा असर हुआ, और मौर्य जी जो 67 का चुनाव अलीगढ़ से न लड़ते, फिर वो हापुड़ लोकसभा से चुनाव लड़े, और उसमें उन्होंने उनके नीचे के 4 MLA जीते, गाजियाबाद से प्यारेलाल, मुरादनगर से सरजू प्रसाद त्यागी, मोदी नगर से मेघनाथ सिसोदिया, हापुड़ से देवीदयाल सेन, और गढ़ से जो है मनसा वाली चुनाव हार गए। क्योंकि जो जितनी भी शक्तियां थी वो मौर्य जी के खिलाफ थी, कांग्रेस की जो पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी थी उसने अपना समर्थन जो है जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे प्रकाशवीर शास्त्री उसको दिया, और उसी तरह से जनसंघ का भी जो प्रत्याशी था उसने भी अपना प्रत्याशी निर्दलीय को दिया, निर्दलीय प्रकाशवीर शास्त्री को दिया, और वो सब लोग जो है मौर्य जी को हराने में सक्षम रहे। उसी उसमें जो है मौर्य जी ने 5 अप्रैल 1967 में बाबा साहब की पहली प्रतिमा जो अष्ट धातु की है पार्लियामेंट में उसे लगवाने का, गायकवाड़ के साथ में उसको लगवाने का काम किया, और उस एक मूर्ति के लगने के बाद में हिंदुस्तान की आज कोई ऐसी जगह नहीं है कि दुनिया में बाबा साहब से ज़्यादा शायद ही किसी की तस्वीर हो, ऐसा मेरा मानना है। तो ये सब बाबा साहब को जनवाना और मनवाना और भगवान बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ बीपी मौर्य का काम है।
उसके बाद 67 के चुनाव में हमारे एमएलए जो है यूपी में 13 जीते, पूरे हिंदुस्तान में 35 जीते, 4 स्टेटों में सरकार में सम्मिलित रहे। यूपी में हमारे 4 मंत्री बने। उसी बीच राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, तो राष्ट्रपति के चुनाव में इंदिरा जी से मौर्य जी की वार्ता हुई, क्योंकि अपोजिशन का कैंडिडेट बीबी गिरी थे और कांग्रेस का कैंडिडेट नीलम संजीवा रेड्डी थे। तो इंदिरा जी ने अपने कैंडिडेट को समर्थन ना करते हुए नीलम बीबी गिरी को चुनाव जितवाया और वो राष्ट्रपति बने। उसके बाद मौर्य जी का, क्योंकि दक्षिण महाराष्ट्र में जब उन्होंने उन्हें काले झंडे दिखाए, उसी के उसमें फिर मौर्य जी ने ये सोचा कि भाई क्योंकि 67 के चुनाव में हमारा जो हापुड़ है वो बहुत छोटा हुआ करता था, उस 67 में हापुड़ का विकास इतना हो गया कि उसमें बहुत गांवों के लोग जो है वो बस गया थे। तो उसको देखते हुए मौर्य जी ने ये सोचा कि भाई यदि हम जो है विपरीत दिशा में ही चलते रहेंगे तो हमारे लोगों का भला नहीं होगा। तो उन्होंने इंदिरा जी के साथ पैक्ट हुआ और उनका राष्ट्रपति उनका जीता। 71 का चुनाव हुआ, 71 के चुनाव में वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और उस चुनाव लड़ने के बाद में उन्होंने इंदिरा जी ने फिर उस चुनाव के बाद 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया। और 20 सूत्रीय कार्यक्रम जब लागू किया तो उसमें बाबा साहब की 16 मांगों में से 12 मांगों को इंदिरा गांधी ने एक्सेप्ट किया, जिसमें आज हमारे समाज के लोगों के पास में पेट्रोल पंप, गैस की एजेंसियां, तेल के डिपो, राशन की दुकानें या तेल के डिपो, जैसे पेट्रोल पंप का होता है ऐसे ही तेल के डिपो भी बहुत बड़े बड़े हैं जो उनको मिले, और रिहाइश के पट्टे मिले, और कहीं कहीं ज़मीनें इतनी मिली कि उन्हें हमारे हापुड़ में ही मैंने एक जगह देखा है, कामी गांव में 3 हेक्टेयर तक का पट्टा एक आदमी को मिला हुआ है, एक आदमी को 3 एकड़ तक का पट्टा जो है कामी में मैंने देखा है। तो ये जो जमींदार जो हमारे लोग बने, शक्तिशाली बने, ये उधर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, पीवी पर्स खत्म हुआ, ये सब चीज़ें जो हैं वो बाबा साहब की जो मांगे थी 12 मांगों को इंदिरा जी ने एक्सेप्ट किया। और उसके एक्सेप्ट करने के बाद में बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यदि किसी ने दी है तो बाबा साहब को बीपी मौर्य जी ने दी है, उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के लोगों को जागृत करने के लिए। जय भीम, जय भारत।